जनरल अजीज सहवाल इजाफा की कोशिश की जा रही। जम्मू में कठुआ पर 20 जून को भी बीएसएफ ने एक ड्रोन पकड़ा था जो गोलाबारी बीएसएफ के 56वें यौमे तश्कील के एक दिन बाद और फौज के तर्जमान के हवाले से आगे लिखता है कि दुश्मन की फायरिंग का जवाब देने और अपने साथियों की जान बचाने के जराना इकदाम के दौरान इस एहसान ने अपनी जान का नजराना पेश किया। आईजी बीएसएफ एनएस जामवाल ने कहा है कि बीएसएफ ने पाकिस्तानी फौज को मौसर और सख्त जवाब दिया। नीज है कि फौज के एहलकार की कुर्बानी जायगा नहीं जाएगी। ख्याल है कि गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी की बिलाशुबा खिलाफवर्जी की वजह से हलाक होने वाले जवानों में इस सब इंस्पेक्टर चौधरी एहलकार हैं। पाकिस्तान में जलसे जुलूसों पर पाबंदी और सैकड़ों कारकुनों की गिरफ्तारी के बावजूद तीर के रोज हिजब इख्तलाफ ने मरकजी शहर मुल्तान में एक रैली कर दी और वजीर आज़म इमरान खान के अपनी खबर में रोजनामा हिंदू लिखता है कि इख्तलाफ इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की इस रैली से एक दिन कबल हुकूमत के अहकाम पर पुलिस और इजमात पर पाबंदी लगा दी थी। पुलिस ने 370 अफराद की गिरफ्तारी की तस्दीक की है कि ये तादाद 1800 है। मोबाइल फोन नेटवर्क पर भी पाबंदी लगा दी। अखबार मुताबिक गुजरात नवाज शरीफ ने भी इस रैली में शिरकत की थी। उन्होंने कहा कि अब इसमें कोई शक नहीं कि आइंदा दिनों में ये हुकूमत इख्तियार नहीं रहेगी। इनके अलावा जिन शख्सियात ने इस रैली में शिरकत की उन्हें सारे वज़ीर-ए-आज़म चीन की पेशकदमी के लिए बंद की तामीर का मनसूबा हिंदुस्तान हुकूमत हिंद मशरक की रियासत और